ICL हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, और हम मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ उस बैकग्राउंड से तो आना मतलब बहुत ही टफ था, जिस जो मेरा माहौल था उस माहौल के हिसाब से अभी सब कुछ अच्छा लग रहा है। मतलब जैसे ऐसा होता है ना, जस्ट लाइक ए ड्रीम्स कम्स ट्रू, सेम थिंग अभी मैं फील कर रहा हूँ कि मेरा जो सपना, जो मैंने ड्रीम देखा था कि इतने बड़े बड़े प्लेयर को कभी टीवी में देखता था, टीवी में घर में टीवी चलता था तो वहाँ देखता था, सोचता रहता था कभी मेरे दिल में भी एक सपना हो कि मैं भी इनके साथ खेलूँ, कभी इनके साथ हैंड से करूँ, गले मिलूँ। लेकिन आज ऐसा लगता है कि जैसे ये हमारे, जैसे मैं महसूस करता हूँ कि जैसे ये मेरे घर का एक हिस्सा है। ये एक्सीडेंट कैसे, जैसे मेरे जिस जगह मैं रहता हूँ वहाँ पे कुछ ज़्यादा दंगेबाजी ये सब ज़्यादा होते थे पहले के टाइम में, लेकिन उस टाइम हम लोग तीन लड़के थे मैदान में, बकरीद का टाइम था, उसके बकरीद के एक दिन के बाद की घटना ये, हम लोग तीन लड़के एक साथ ग्राउंड में खेल रहे थे, खेलते खेलते एक अचानक सा एक मतलब ज़मीन में गाड़ा हुआ एक बोतल निकला, तो वो बोतल हम लोग तो कुछ समझ नहीं पाए कि क्या है, लेकिन अचानक वो ब्लास्ट कर गया, जिसमें से एक लड़का का वहीं पर संसंग ख़त्म हो गया, फिर उसके बाद दूसरा एक लड़का उसका एक आँख चला गया, ये दोनों हाथ उड़ गया उसके, अब मेरे पूरे जिस्म में सब छींटे पड़े हुए हैं जिसकी वजह से जितने स्टिचेज हैं। तकलीफ तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन हल्का फुल्का पहले प्रॉब्लम होता था क्योंकि मेरे आँख से कुछ हल्का प्रॉब्लम होता था, लेकिन अभी फ़िलहाल सब कुछ ठीक है। हमारी टीम को मैसेज यही देना चाहूँगा कि हम लोग लास्ट दो टूर्नामेंट हम लोग सेमीफाइनल खेले थे, सेमीफाइनल में जाके फिर हम लोग वहाँ पे कुछ हम लोग के अंदर मतलब कमी है जिसकी वजह से हम लोग सेमीफाइनल हार गए, लेकिन इस बार हम लोगों ने बहुत अच्छा हार्ड वर्क किया, जिस वजह से कोशिश कर रहे हैं कि इस बार सेमीफाइनल में कम से कम फाइनल तक पहुँच के कुछ अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करें।